आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। करने के लिए आया और आप सब लोगों से वोट मांगने के लिए मैं यहाँ आया। ये विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में आप सब लोग वोट करेंगे और झारखंड में अगले 5 वर्षों के लिए सरकार बनेगी। अगर हम सब ने थोड़ी सी नहीं गलती आप लोगों ने किया तो 5 साल तक हम सब लोगों को फिर से भुगतना पड़ेगा। और इसलिए मैं आप सभी भाई और बहनों से मैं यही कहने के लिए आया, इस बार सोच समझ करके वोट दे। झारखंड वासियों के हितों में काम करने वाली सरकार हमें बनानी है, मैं यही कहने के लिए आप सब लोगों के बीच आया। अब पिछले 5 वर्षों से झारखंड में जो सरकार चल रही है बीजेपी की सरकार है, रघुवर दास जी के नेतृत्व में सरकार चल रही है, लेकिन ये सरकार में क्या हुआ नहीं हुआ ये आप सबको पता है। इसी सरकार में 2 दर्जन से अधिक लोग भूख से मर गए, 0.5 दर्जन किसानों ने आत्महत्या की। जरा सोचो 21वीं सदी की दुनिया में हम जी रहे, हम चंद्रमा पर चले गए, दुनिया की हम बड़ी ताकत अपने को कहते, लेकिन यहाँ लोग भूख से मर रहे। कारण क्या था? जिनको यहाँ राशन कार्ड था, राशन मिल रहा था, ये सरकार ने उसे रद्द कर दिया। जो बूढ़े बुजुर्ग थे, विकलांग थे, जो पेंशन मिलता था उसको भी सरकार ने रद्द कर दिया। अब याद करो जब राज्य के मुख्यमंत्री रघुवर दास जी बने तो 11.5 लाख से अधिक राशन कार्ड को रद्द किया, 2.5 लाख से अधिक जो पेंशन लोगों को मिलता था उसको भी उन्होंने रद्द कर दिया। और उन्होंने कारण क्या बताया, क्यों रद्द किया? ताकि आधार से लोगों ने जोड़ नहीं पाया, लिंक नहीं कर पाया। झारखंड के लोग गांवों में रहते हैं, उतने पढ़े लिखे नहीं है, कैसे आधार से जोड़ता है राशन कार्ड ये भी लोग नहीं जानते। और सरकार ने इस काम को किए बिना लोगों के रद्द किया और उसका परिणाम हुआ कि लोग भूख से मर गए। कहने के लिए आया हूँ आप इस बार झारखंड विकास मोर्चा की सरकार बनाइए, प्रेम साय गुंडा जी को यहाँ से जिताइए, बाबूलाल मारांडी मुख्यमंत्री बने को, तो मैं आपको यह विश्वास दिलाता हूँ तो जिनका भी राशन कार्ड समाप्त नहीं है, राशन कार्ड जिसका रद्द हुआ है, जिसका पेंशन रद्द हुआ है, जो जरूरतमंद लोग है उन्हें ब्लॉक के ऑफिस जाना नहीं पड़ेगा, सरकारी कर्मचारियों की पदाधिकारियों को उनको खुशामद नहीं करनी पड़ेगी, सरकारी पदाधिकारी और कर्मचारी घरों में जा करके उनके लिए कार्ड और राशन कार्ड और पेंशन योजना को लागू कर दे। हम इस राज्य के मुख्यमंत्री रहे, हमें पता है कैसे काम किया जाता है, सरकारी कर्मचारियों और पदाधिकारियों से कैसे काम लिया जाता है वो हमें पता है, हम उसको कर दिखाएंगे, यही मैं कहने के लिए आया हूँ। और मैं आप सब लोगों के बीच में यह संकल्प भी लेता हूँ, सरकार बनाएंगे तो झारखंड में एक भी लोग भूखे नहीं मरेंगे, और कोई अगर भूख से मर गए तो उस ब्लॉक के पदाधिकारी, उस पंचायत के कर्मचारी को तो नौकरी से हम बर्खास्त कर देंगे, हम वैसा झारखंड बनाएंगे। लोगों को विश्वास दिलाने के आज इस प्रदेश में क्या हालत है, किसानों की क्या हालत है, छात्र नौजवानों की क्या हालत है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। किसानों की दर्द तो सरकार सुनने को तैयार है, किसानों से जमीन छीन रहे, अब सबने देगा को कैसे संशोधन करने की सरकार ने कोशिश की, 2013 का भूमि अधिग्रहण कानून था उसको सरकार ने संशोधन किया, जिसमें यह प्रावधान था किसानों से जोर जबरदस्ती जमीन सरकार अधिग्रहण नहीं करेगी, उस प्रावधान को उन्होंने समाप्त किया। उसमें लोगों से यही कहने के लिए वो सरकार घर मजर का जमाबंदी था उसको रद्द करके भूमि केंद्र में सरकार ने हस्तांतरण कर दिया, ये भी उन्होंने जरूरत नहीं समझो, जमाबंदी जमीन पर घर मजर का जमाबंदी जमीन पर लोगों के घर बना हुआ है, लोगों के मकान और दुकान बना हुआ है, लोग खेती बाड़ी कर रहे हैं, इसकी उन्होंने चिंता नहीं की। और भूमि बैंक को जमा करके किसके लिए उन्होंने भूमि बैंक में हस्तांतरण किया, बड़ी बड़ी जो कॉर्पोरेट घरानों है उन लोगों के लिए, टाटा के लिए, इंधन के लिए, अडानी के लिए, अंबानी के लिए, रूंगा के लिए, उन लोगों के लिए जमीन उन्होंने भूमि बैंक में हस्तांतरण किया। मैं आज आप सब लोगों को यह विश्वास दिलाने के लिए आया हूँ
उस दिन हम सरकार बनाएंगे। जो बहुत ज्यादा गंभीर जमीन को रद्द किया है उसको समाप्त करके फिर से गांव वालों के हवाले उस जमीन को सपोर्ट कर देंगे, तो जमीन की मालिकियत गांव के लोग होंगे और गांव में ही जो भूमिहीन होंगे उनके नाम से वो बंदोबस्त होगा, ताकि कोई भी झारखंड में भूमिहीन नहीं होंगे। मैं यही कहने के लिए आज आपके बीच किसानों को तो चाहिए होगी खेतों में पानी और सिंचाई की सुविधा, समय पर खाद बीज मिले, नई तकनीक मिले, उपज का सही दाम मिले, किसान यही चाहते। लेकिन जब चुनाव होता है तो सरकार 5,000-6,000 रुपया में किसानों से वोट लेने के लिए राजनीति करती है। हमने कहा कि आपका साथ मिला और सरकार बनाए तो अगले 5 वर्षों में किसानों के खेतों तक पानी पहुंचा देंगे, उसके लिए गाँव में तालाब बनाना पड़े, आहार और पोखर बनाना पड़े, या नदी नाला से पानी गाँव तक पहुंचाना होगा तो पहुंचाया जाएगा, क्योंकि खेतों में पानी होगी। यही मैं करने के लिए आपके बीच कहीं किसानों के हालत में खुशहाली आएगी। यही मैं आप सब लोगों से कहा, आज इस प्रदेश में शिक्षा की क्या हालत है? जब इस प्रदेश में हम राज्य के मुख्यमंत्री थे तो गाँव में टोला में मोहल्लों में हमने स्कूल शुरू करवाया और गाँव के ही पढ़े लिखे और जवानों को ग्राम सभा से ही हमने शिक्षा की भी नियुक्ति कराई थी। ग्राम सभा को अगर किसी ने अधिकार दिया था तो पहली दफा दिया था कहीं लोगों से पा। लेकिन आज रघुवर दास जी सर मुख्यमंत्री बने, बीजेपी की सरकार खुली, उन्होंने क्या किया, गाँव मोहल्ला मोहल्ला के स्कूलों को हजारों स्कूलों को भर्त कर हमने कहा कि आप इस पर सरकार बना दूंगे, जो भी पेट पास शिक्षक है और जहाँ सेकेंड कोर्स होगा तो उनको वही स्थायी कर दी जाएगी, देश के वेतन में वृद्धि की जाए। गाँव में भी शिक्षक होंगे, शिक्षक की बढ़ाई होगी, ताकि गरीब और किसान मजदूर के बच्चे भी पढ़ सके। ये मैं आज आपको विश्वास दे रहा हूँ। जब हम इस प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे उस समय गरीब के बच्चों को इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने में दिक्कत नहीं होती थी, डिप्लोमा करने में दिक्कत नहीं होती थी, मास्टर बनने के लिए जो ट्रेनिंग करते थे उसके लिए भी दिक्कत नहीं थी, बच्चे अर्थ करने के लिए भी पढ़ाई करते थे उसके लिए भी दिक्कत नहीं होती थी, क्योंकि पैसे की व्यवस्था सरकार की ओर से होती थी। लेकिन इस व्यवस्था को समाप्त कर दी, अब गरीब के बच्चे इंजीनियर बनने की सोच नहीं पाते, गरीब के बच्चे डॉक्टर बनने की सोच नहीं पाते, गरीब के बच्चे डिप्लोमा रस भरने की भी सोच नहीं पाते। हमने कहा कि फिर से बाबूलाल मांझी को मुख्यमंत्री बना देना, फिर से गरीब के बच्चों की पढ़ाई का पूरा व्यवस्था सरकार करेगी, ताकि गरीब की माँ बाप कोई चिंता नहीं करनी पड़ेगी। राष्ट्र करने के लिए हमने तो कैलाश भी बना दिया, अभी आपको प्रभु जाल बना दिया, आज उसका राज्य राज्य बना। आज यहाँ पर 40% महिलाओं में खून की कमी है, सरकार को उसकी चिंता नहीं है, स्वास्थ्य के नाम पर सरकार ने एक कार्ड बना दिया, आज उस कार्ड का हालत किया प्राइवेट अस्पताल में चले जाओ, वहाँ इलाज नहीं होता है, जगह नहीं मिलती है गरीबों के लिए, और राज्य के बड़े अस्पतालों में चले जाओ सरकारी तो वहाँ एडमिशन तो हो जाएगी, मजदूर जो जाते हैं इलाज के अभाव में मर जाते हैं, प्रेशर खा जाते हैं, सरकार को गरीबों की चिंता नहीं। हमने इसीलिए कहा गया सरकार बनाई प्रत्येक पंचायत में जो स्वास्थ्य कर्मी होंगे, हर बार की एक एक लोगों का स्वास्थ्य संबंधी जानकारी होगी, हर ब्लॉक के अस्पतालों में डॉक्टर और दवा की व्यवस्था होगी, जिला के अस्पतालों में सभी प्रकार की जांच की सुविधा होगी, और जो भी पेशेंट असंख्य रोग से पीड़ित होंगे, कैंसर जैसे बीमारियों से पीड़ित होंगे, क्योंकि इलाज में गरीब को चिंता नहीं करनी पड़ेगी, सरकार उसकी देखभाल करेगी। और इसलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूँ, आप चाहते हैं कि झारखंड को शिक्षित प्रदेश बनाना, झारखंड को शिक्षित प्रदेश बनाना, झारखंड को स्वस्थ राज्य बनाना, यही मैं कहने के लिए आ रहा हूँ। और ये जो क्षेत्र है, पश्चिमी अनुसूचित क्षेत्र है, सिंधु एरिया,
लेकिन भारत सरकार संविधान में जो फांसी अनुसूची है उसका भी सरकार यहाँ पालन नहीं करती है। हमने कहा कि जो मिला उसको भी हम सुनिश्चित करेंगे ताकि फांसी अनुसूची संविधान को पालन हो। हर पानी विकल्प करोगे के अधिकार के लिए आप सबको विश्वास दिलाने के लिए प्रभावित रहे। हमने कहा कि ऐसे भी जो झूठा कर भी करेगी और की जगह जेल में होगी या तो झारखंड से उसको बाहर जाना पड़ेगा। यही मैं कहने के लिए आपसे भी कहा है, यही मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूँ। इस चुनाव में हाथ में हमेशा आप लोग से आप सब लोगों से मैं सिर्फ कहना ही तो होगा कि आप सब लोग कैसी सरकार चाहते हो, लूटने वाली सरकार चाहते हो कि ठगने वाली सरकार चाहते हो, कैसी सरकार चाहते हो बताओ तो। नौकरी हम लोगों को दिया नहीं और रोजगार के नाम पर झारखंड की जो खजाना था उससे भी रघुवर दास ने 900 करोड़ रुपया लुटा दिया। अब बताओ उसको क्यों बनाना, पूरा 5 साल में एक झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का परीक्षा भी नहीं ले पाए और जिसका पहले से हुआ था परीक्षा उसमें भी यहाँ के नौजवानों को नहीं मिला, नौकरी सब बाहर के लोगों को मिल गया, यानी उसको भी लुटा दिया। तो ऐसा लुटाने वालों को सरकार बनाना है क्या? नहीं बनाना है ना, नहीं बना, यही मैं कहने के लिए आया हूँ। तो खटने वालों को बनाना है, काम करने वालों की सरकार बनाना है, ठीक है ना, और ठगने वालों को भी नहीं बनाना। ये लोग बहुत ठगा है, 2014 से कितना ठगा आप याद है ना आप लोगों को, बीजेपी वाले कहते थे 15 लाख टका देंगे, ठग दिया, महंगाई कम करेंगे, ठग दिया, 2 करोड़ रोजगार देंगे, ठग दिया ना। इसलिए बोले लूटने वाले और ठगने वालों को इस बार यहाँ से विदा करना है, धूमधाम से विदा करना, यही कहने के लिए मैं आया हूँ। और इस बार काम करने वालों की सरकार बनानी है, ठगने वालों की सरकार बनानी, कमाने वालों की नहीं बनानी है। बहुत लोग सरकार में आकर के कमाने में लोग लग जाते हैं और ठगने वाले आपके बीच यहाँ पर खड़े, आपके यहाँ पर प्रेम साई मुंडा जी यहाँ पर एक ठगने वाले काम करने वाले। इसलिए मैं आप सब लोगों से कह रहा हूँ खटने वाले और काम करने वालों की सरकार बनानी है, इसलिए आप सब लोग जेडीएम को साथ देना। हम इस प्रदेश के जब मुख्यमंत्री थे कहीं भी काम की कोई शिकायतें मिलती थी तो दिन तो छोड़ दीजिए, दिन में हम नहीं जाते थे उसको जांच करने के लिए, क्योंकि दिन में तो भीड़ होती थी, हमें वो लोग देखने लग जाते थे। तो हम जो काम की शिकायत मिलता था उसको देख नहीं पाते थे कहाँ गड़बड़ी हुई है। 12-1 बजे रात जब पूरा झारखंड सो जाता था तो झारखंड के जितने पदाधिकारी थे, चाहे ड्यूटी पुलिस हो, चाहे चीफ सेक्रेटरी हो, चाहे विभाग के जो सचिव हो और विभाग के इंजीनियर, सबको लेकर के 12-1 बजे रात हम स्पॉट पर चले जाते थे, जहाँ शिकायत मिलता था वहाँ चले जाते थे और उसके बाद वही हम जाँच करते थे रात में। तब अवसर झारखंड का था, तब उस समय काम होता था सब जगहों पर। आप तो किसी को काम की चिंता नहीं है, सब लोग कमाने में लग गए, लूटने में लग गए, ठगने में लग गए और इसीलिए इस बार उन लोगों को विदा करना है। और आप सब यहाँ पर 7 तारीख को मतदान होना है। ईवीएम मशीन के कितना नंबर पर, ईवीएम मशीन के 4 नंबर पर कलम छाप मिलेगा और उसी 4 नंबर कलम छाप पर आप सब लोग बटन दबाएंगे और 23 तारीख को जब काउंटिंग होगा तो ईवीएम की मशीन से जेवीएम से निकलेंगे। उसके लिए आप सब लोग इसे मैं निवेदन करूंगा, एक एक वोट आप सब लोग कन्नू छाप में देंगे और कन्नू छाप में वोट दे करके यहाँ से प्रेम साहब मुंडा जी को जिताएंगे, तभी झारखंड में भावना गांधी मुख्यमंत्री बनेगा और तभी इस प्रदेश का विकास होगा। यही निवेदन, यही अपील के साथ मैं अपने हाथों को समाप्त करता हूँ। अभी हमारे साथ बाबूलाल मराठी जी हैं, हम सीधे जुड़ जाएं। सर नहीं, हम तो सब बता दिए। हमने अभी भी बताया कि जो पारा टीचर है
उनकी तकलीफ स्वाभाविक है और वो लोग आंदोलन कर रहे। हमने कहा कि जिन लोगों ने टेट पास किया और जहां काम कर रहे हैं अगर वहां वैकेंट पोस्ट होगा तो उनको वहीं स्थायी कर दिया जाएगा और सेंस लोगों की योग्यता के हिसाब से उनके वेतन में बढ़ोतरी कर दी जाए ताकि उनकी तकलीफ दूर हो जाए। उनके भी इतनी ही मांग है, उससे अधिक वो लोग भी मांग नहीं करते। 13,000 स्कूलों का विलय कर दिया गया सर। हमने वो भी कहा है कि जो स्कूल बंद हुआ है गांव में टोला में मोहल्ला में, क्योंकि वो सारे स्कूल हम ही ने खुलवाए थे जब हम राज्य के मुख्यमंत्री और सत्ता में पुनः आएंगे तो फिर से स्कूल को हम शुरू करेंगे, क्योंकि हमने उस समय उन सारे गाँव में स्कूल शुरू किया था जहाँ कम से कम 15 बच्चे थे। आखिर छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे, दूर जा नहीं पाएंगे, इसलिए हमने कहा कि 15 अगर बच्चे हो एक गाँव में या टोला मोहल्ला में, क्योंकि झारखंड में गांव जंगल में है वहाँ भी छोटे गाँव है तो वहाँ भी स्कूल होगा। तो हमने आज जो इसको उन्होंने बंद किया है उसको हम चालू करेंगे और साथ ही जो आंगनबाड़ी सहायिका सेविका की आपको बात की उनकी भी जो समस्या उनकी भी तकलीफ है उसको भी हम मुझे पता है जितनी भी जो इस प्रकार की कॉन्टैक्ट पर जो काम करते हैं कर्मचारी उन सब लोगों की समस्याओं का निदान झारखंड विकास मोर्चा ही करेगी। कुमार विधानसभा में बोंगू को जिला बनाने की एक मांग लंबे अर्थों से की जा रही है, जब तो सरकार बनाएंगे तो इसके बाद जरूर हम लोग विचार करेंगे उस पर। हमारे साथ अभी मौजूद हैं झारखंड के पहले मुख्यमंत्री रहे बाबूलाल मरांडी जी, जिनका सीधा कहना है कि हमारी सरकार विलय किया गया स्कूल है वो फिर से रीओपन कर दिया जाएगा और जितने भी जो आंगनबाड़ी सेविका है उनको नियमित जो सैलरी देने की बात जो है यहाँ पर बाबूलाल मरांडी के द्वारा की गई है। कैमरामैन वरुण के साथ मैं अमित दत्ता आजाद सिपाही। Thank you.